वो कौन थी, कहां से आई थी और कहां चली गई? क्या सच में वो इंसान के भेष में कोई आत्मा या चुड़ैल थी, या आसमान से उतरी कोई परी जो अनदेखी जगह से आई थी और अनदेखी जगह चली गई? दोस्तों, एक समय था जब बॉलीवुड में रामसे ब्रदर्स की हॉरर फिल्मों का जलवा था, लेकिन जिस फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए वो थी 6 मई 1988 को रिलीज हुई हॉरर फिल्म वीराना। आज भी इस फिल्म को इसके हीरो से ज्यादा इसकी चुड़ैल के लिए जाना जाता है। भला कौन भूल सकता है जैस्मीन को, उसकी बदलती हुई आवाज को, उस दहशत को जो उसकी आंखें देखकर महसूस होती थी। इस दहशत के बावजूद लोग टिकट लेकर पूरी फिल्म देखा करते थे। वजह थी फिल्म में दिखाए गए जैस्मीन के बोल्ड सीन और उसकी खूबसूरती। हालांकि जैस्मीन ने पहले भी फिल्मों में काम किया था, लेकिन तब उनको किसी ने नोटिस नहीं किया था। लेकिन जैसे ही जैस्मीन ने वीराना में शापित लड़की का किरदार निभाया, दर्शक उनके दीवाने हो गए, उन्हें बार बार देखने के लिए मचलने लगे। कहते हैं कि जैस्मीन का पूरा नाम जैस्मीन धुन्ना था। उन्होंने साल 1979 में सरकारी मेहमान से बॉलीवुड में कदम रखा था। हालांकि उनकी डेब्यू फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। इस फिल्म के फ्लॉप होने का दोष भी जैस्मीन के सर ही मढ़ा गया। इसके बाद वो कुछ साल फिल्मों से दूर रही। फिर वो साल 1984 में डिवोर्स नामक फिल्म में भी नजर आई, जिसे एंडी कोठारी ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म के लीड रोल में थे शर्मिला टैगोर, गिरीश कर्नाड और विजेंद्र घाटगे। लेकिन इस फिल्म से भी जैस्मीन के करियर को कोई फायदा नहीं पहुंचा, क्योंकि इन दोनों ही फिल्मों में उनका सीधा साधा किरदार था, जिसकी वजह से किसी ने भी उन्हें नोटिस नहीं किया। हालांकि फिल्म के दौरान जैस्मीन की विजेंद्र से अच्छी दोस्ती हो गई थी और उन्होंने ही जैस्मीन को रामसे ब्रदर्स से मिलवाया था। विजेंद्र रामसे ब्रदर्स की 1980 में आई फिल्म गेस्ट हाउस में काम कर चुके थे। रामसे ब्रदर्स ने अपनी आने वाली फिल्म वीराना के लिए विजेंद्र से चर्चा की, तो कहानी सुनते ही उन्होंने जैस्मीन का नाम सुझा दिया। बता दें कि वीराना फिल्म की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित थी। ये घटना श्याम रामसे के साथ घटी थी। बाद में इस घटना का जिक्र फतेह चंद रामसे की नातिन आलिशा कृपलानी ने एक किताब घोस्ट इन आर बैकयार्ड में किया था। यह घटना 1983 की थी। दरअसल रामसे ब्रदर्स अपनी अधिकतर फिल्मों की शूटिंग महाबलेश्वर के आसपास करते थे। एक बार पुराना मंदिर की शूटिंग खत्म करके वो रात के समय अपनी कार से बाई रोड घर लौट रहे थे। रात होने की वजह से रोड सुनसान था और दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में उन्हें रास्ते में एक सुंदर सी स्त्री मिली जो उनसे लिफ्ट मांग रही थी। सुनसान रास्ता और रात होने की वजह से उन्होंने उसकी मदद करने के लिए लिफ्ट देने के खातिर गाड़ी रोक दी। उसने दरवाजा खोला और गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ गई। वो सुंदर तो थी ही, पर श्याम रामसे को भी बहुत अजीब लग रही थी, क्योंकि उनके बार बार सवाल पूछने पर भी वो गाड़ी में चुपचाप बैठी हुई थी और कुछ नहीं बोल रही थी। थोड़ी देर बाद श्याम रामसे की नजर उसके पैरों पर पड़ी और उन्होंने घबरा कर गाड़ी रोक दी। दरअसल उस स्त्री के पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे। गाड़ी रुकते ही वो कार से उतरी, थोड़ी दूर तक सड़क पर कार के आगे आगे पैदल चली और फिर अचानक कहीं गायब हो गई। वीराना फिल्म की जैस्मीन इसी रहस्यमय स्त्री से प्रेरित थी। इस फिल्म के लिए जैस्मीन को वजन बढ़ाने की सलाह दी गई थी, ताकि वो पर्दे पर और सुंदर लग सके। इस फिल्म में उन्होंने एक के बाद एक कई बोल्ड सीन दिए, जिन्होंने दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया। मीडिया खबरों के अनुसार ये बोल्ड सीन इस हद तक थे कि सेंसर बोर्ड के पास यह फिल्म करीब 8 महीनों तक अटकी रही। इस फिल्म से एक के बाद एक 46 आपत्तिजनक सीन काटे गए, जिसके बाद फिल्म 1988 में रिलीज हुई थी। फिल्म आते ही छा गई और पैसों की मानो बरसात होने लगी। जो सीधी सादी जैस्मीन को उनकी पिछली दो फिल्मों में किसी ने नोटिस तक नहीं किया, ग्लैमरस और बोल्ड अवतार वाली इस चुड़ैल को दर्शकों ने रातों रात स्टार बना दिया। लेकिन इस फिल्म के बाद यह बला की खूबसूरत हसीना कहां और क्यों गायब हो गई, यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। कहते हैं कि जैस्मीन की खूबसूरती का आलम यह था कि उस समय का सबसे खूंखार अंडरवर्ल्ड का डॉन भी उस पर अपना दिल हार बैठा था। वह किसी भी कीमत पर जैस्मीन को अपना बनाना चाहता था। वह बार बार जैस्मीन को कॉल करता था, जिससे जैस्मीन काफी घबरा गई और शुरुआत में उन्होंने घर से निकलना बंद कर दिया था। लेकिन बाद में एक्ट्रेस ने परेशान होकर देश ही छोड़ दिया और वो अमेरिका में जा बसी। कहीं से खबर आई कि एक्ट्रेस जॉर्डन में जाकर रहने लगी है और वहाँ योग सिखाती है। लेकिन यह कहानी उतनी सीधी और सपाट नहीं, क्योंकि बाद में जैस्मीन के कुछ करीबी लोगों ने बताया कि यह सारी बातें केवल अफवाह, ताकि जैस्मीन अपने करियर में आगे न बढ़ सके और कोई भी डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में न ले।
इसके पीछे की वजह बताई गई कि वीराना में जैस्मिन से जबरन बोल्ड सीन करवाए गए जो स्क्रिप्ट का हिस्सा भी नहीं थे। जब जैस्मिन ने इसका विरोध किया तो डायरेक्टर और उनके बीच तनातनी हो गई। इसी झड़प के चलते उनके करियर को बर्बाद कर दिया गया। हालांकि सवाल यह भी उठता है कि अगर वाकई में ऐसा कुछ था तो उन्होंने पुलिस या फिर मीडिया में इसकी शिकायत क्यों नहीं की और वो गायब क्यों हो गई। इसके बाद साल 2018 में श्याम रामसे ने यह बात बताकर सनसनी फैला दी कि जैस्मिन भारत में ही है और वीराना की सीक्वल में नजर आएंगी। लेकिन इससे पहले कि जैस्मिन एक बार फिर दुनिया के सामने आती, 2019 में श्याम रामसे का निधन हो गया और जैस्मिन का रहस्य भी उन्हीं के साथ चला गया। कहा जाता है कि उसका असली नाम क्या था यह भी कोई नहीं जान पाया। किसी ने कहा कि वो जैस्मिन धुन्ना थी तो किसी ने कहा कि वो जैस्मिन भाटिया थी। ना तो किसी को उसके घर का पता था ना ही उसके रिश्तेदारों का। तो आखिर में जैस्मिन थी कौन? क्या वो सच में कोई चुड़ैल थी या आसमान से उतरी कोई परी? आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं।